भगवान बताने वाले आध्यात्मिक गुरु कल्कि भगवान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल्कि भगवान खुद को भगवान कहता है, यानी कि भगवान के घर करोड़ों का माल बरामद हुआ है। 21 अक्टूबर को उनके बेटों के ठिकानों से आयकर विभाग को 44 करोड़ कैश और इसी रकम में 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर बरामद हुए हैं, जबकि 90 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है। खबरों की माने तो आयकर अधिकारियों ने ये सारा सामान कुल 5 जगहों पर छापेमारी करके बरामद किया है, जिसमें चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कुप्पम लोकेशंस शामिल हैं। ये रेड आध्यात्मिक गुरु के बेटों के स्वामित्व वाली व्हाइट लोटस की संपत्तियों पर मारी गई है। ये आध्यात्मिक गुरु खुद को भगवान विष्णु के 10वें अवतार होने का दावा करता है। खुद को भगवान कहने वाले ये गुरु धार्मिक शैक्षणिक संस्था, जिसका नाम वननेस यूनिवर्सिटी है, उसके संस्थापक भी हैं। इस आध्यात्मिक गुरु का असली नाम कल्कि नहीं बल्कि विजय कुमार नायडू है। विजय ने अपने करियर की शुरुआत साल 1971 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में क्लर्क के तौर पर की थी। 1980 में वो जय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से जुड़े थे और बाद में खुद का ट्रस्ट बना लिया। दरअसल उन्होंने 1989 में कल्कि ने खुद को भगवान बताना शुरू कर दिया था। कल्कि यानी कि विजय जब दावा करने लगे थे कि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनके पास अप्राकृतिक शक्तियां हैं, जिससे वो लोगों को ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति भी करा सकते हैं, देखते ही देखते लोग उनकी बातों में आने लगे। इनके आश्रम का नाम चित्तूर आश्रम है और इनका आश्रम 2008 में सुर्खियों में आया था। इनके आश्रम में सामान्य दर्शन के लिए पति पत्नी से 5,000 रुपये लिए जाते हैं, जबकि इनसे विशेष दर्शन के लिए 50,000 रुपये लिए जाते हैं। साथ ही वननेस टेम्पल में योग में क्लासेस भी दी जाती है, जिसका हिस्सा बनने के लिए खुद को भगवान बताने वाले कल्कि 50,000 रुपये वसूलता है। दरअसल हैरान करने वाली बात यह है कि इन सेशंस में भारी संख्या में विदेशी जुटते हैं, जो कि एक आकर्षण का केंद्र बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।